सो गाइस कैसे आप सब लोग आपका स्वागत है हमारे चैनल के एक और न्यू व्लॉग में। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि अभी मैं नहा धोकर एक्सरसाइज कर दूध वगैरह पीकर छत पे आ चुका हूँ। सो गाइस आज थर्सडे है, हमारी मम्मी का व्रत है तो वो तो खाएंगे नहीं, बट हमारे लिए बना रही है मैकरोनी। वाओ भाई साहब आज मैकरोनी खाएंगे मस्त तरीके से एकदम अभी और एक दो घंटे में। अभी मैंने यहाँ पे गाने बजा रखे थे स्पीकर से अपने, तो भाई साहब मेरे को भाग मिल गया। भाग कब हुआ है ना जिंदा, वो वाला गाना बहुत मस्त लगता है। अभी मैंने फुल वॉल्यूम पर बजा रखा था, कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो बस गाइस अभी हमारे को होस्ट नीचे बैठे हैं, वो भी मोबाइल चला रहे हैं। तो बस आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट करा है। टाइम क्या हो रहा है, टाइम अभी नहीं पता, दो मिनट देखिए बताते हैं दूसरा मोबाइल। तो गाइस टाइम हो रहा है पूरा 12 बज रहे हैं उनके। तो बस अभी अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट करा है। और क्या अभी आज 16 दिसंबर है यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत पतंगे अभी इस टाइम पे भी उड़नी शुरू हो गई हैं। आपको मैं कैसे दिखाऊँ, रुको अभी दिखाऊंगा 5-10 मिनट में। पहले मैं बोल लूँ यहाँ पे, ये भी हमारी सारी छोटे वृंदावन जो था कल को मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, ऐसे वहाँ पे रोज़ वगैरह है, एक वो रोज़ वहाँ पे भी है, तो दिखाता हूँ वो वाला रोज़। अभी पहले कल से बड़ा हो गया, ये देखो भाई बड़ा हो गया पहले से, इसमें कांटे हैं तो देख के छूना पड़ता है इनको। तो बस गाइस अभी तो इतना ही, और कोई जब कुछ मिलता है टॉपिक तो बनाता हूँ व्लॉग, अभी तो इतना ही। वो आपको पतंगे दिखाता हूँ अभी कम से कम 2 मिनट का, इसमें गिन के दिखाता हूँ 1 2 3 हाँ 3 पतंगे उड़ रही हैं अभी। एक पन्नी की उड़ रही है, एक उधर उड़ रही है बहुत आगे, एक और उड़ रही है, 3-4 हो गए हैं। तो बस 4 पतंगे उड़ रही हैं, दूर दूर है तो हम लोग बेचे नहीं लगा सकते, और थोड़ी देर में उड़ाएंगे हम लोग पतंग, तब लगाएंगे बेचे। अभी हम लोगों ने वो कल को जो चरखी टूट गई थी वो तो सिर्फ फेंकी थी, हम लोगों पे अभी भरी पड़ी है चरखियाँ। गाइस मैं आपको दिखा दूंगा, हमारे पे कम से कम 5-6 चरखियाँ आज के ब्लॉग में दिखाऊंगा, उनमें से एक चरखी ये रही। और कल को मैंने आपको अपने गट्टू तो दिखाई दिए थे गाइस, और बस अब ये एक चरखी है और 2 चरखियाँ और रखी हैं, और कम से कम थैले में हमारे एक थैला बना रखा है, 2 डब्बे हैं गाइस, उन दोनों डब्बों में गुच्छा भरी पड़ी है, एक थैले में गुच्छा भरी पड़ी है गाइस मैं बता दूँ आपको। और एक थैला बना रखा है चरखी का, उसमें भी पूरी में चरखियाँ कम से कम 5-6 चरखियाँ होंगी गाइस, उसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है। बसंत पे 5 फरवरी की बसंत है, बहुत मज़ा आएगा। और 19 फरवरी को अभी हमारे को जाना है जन्मंच पे, तो वो वाला व्लॉग देखना मत भूलना गाइस, अभी तो नहीं। गाइस हम लोगों ने फिलहाल पढ़ाई वगैरह सब कुछ कर लिया है, अभी हम लोग ऊपर आए हैं छत पे। तो बस अभी आज हमारे यहाँ बारिश का सब मौसम हो रहा है, और बस अभी पतंगे भी आज कम उड़ रही हैं, उधर से एक पतंग जा रही थी और उस वाली छत पे है ना एक बहुत क्यूट सा डॉग रहता है, उसका नाम मेरे भाई ने वासु ने रख रखा, हमारे को होस्ट ने उसका नाम रख रखा है रीमो। दिखाता हूँ गाइस, दिखेगा कि नहीं पता नहीं, हाँ वो रहा, हाँ दिख रहा होगा ना आपको गाइस, हाँ वो आपको दिख रहा होगा पीछे इन वाली उनके पीछे, देख लो यार वो वाइट वाइट है यार, मैं नहीं दिखा पा रहा, इतना प्रोफेशनल कैमरे वाला नहीं हूँ मैं, बट फिर भी देख लो यार। और आगे कोस्ट, और ये रहे हमारे कोस्ट, अरे भाई 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 फोन कर जाए, अरे भाई हाँ ये रहे हमारे कोस्ट, कुछ तो बोलो। अरे पतंग उड़ाएंगे आज, बसंत पंचमी होने वाली है, बसंत पंचमी आज थोड़ी है, अच्छा बसंत पंचमी पूरा लो, क्योंकि गाइस पंचमी में लास्ट में पंचमी आता है, पंचमी आउच। मैं बड़ा नाजुक सा हूँ गाइस, तो अभी हमारी जो बराबर वाली डेरी वाली जो छत है ना गाइस, डेरी वाली दिखाता हूँ, डेरी वाली छत पे आपको दिख रहा होगा उधर एक बच्चा बैठा है जीने की तरफ में, वो उड़ाता है पतंग उस छत से, तो उससे गाइस अभी हम लोग पीछे लगेंगे, हवा है अभी इस तरफ की, वरना रहती है नॉर्मली इस तरफ की, ये भी एक बात है, मैटर करती है हवा वगैरह सब कुछ मैटर करती है पतंग उड़ाने में, नहीं अच्छा अच्छा सुबह को हवा थी गाइस इस तरफ की, अभी मैं पतंगे देख रहा हूँ तो फिर से हवा हो चुकी है इस तरफ की अच्छा। तो इससे पूछता हूँ अभी ये पतंग उड़ाएगा क्या, तो इससे पेचे लगाएंगे फिर गाइस, अभी पूछ के फिर आपको मिलता हूँ। तो गाइस अभी पेचे लगाने में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो छत पे जो लड़का है
जो कि अभी पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ वो तो कोई और है, वो लड़का पता नहीं कहाँ चला गया। उसके पास पतंग नहीं है और मंजा भी नहीं है। मंजा तो गाइस मैं दे सकता हूँ उसे, बट पतंग मैं भी नहीं दे सकता। तो अभी वो पतंग को लूटेगा, जो पेचे वगैरह लग रहे हैं इधर वो उसको लूटेगा। और आप बताना आपके यहाँ पे पेचे को क्या कहते हैं, मतलब पेचे वो होते हैं जो दोनों पतंगे मिल के आपस में एक दूसरे की काटती हैं, उनको हम ना रहे यहाँ पेचे कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं बताना भाई साहब। तो बस अभी वो पतंग की इंतज़ार में है, जैसे उसको पतंग मिलेगी हम लोग लगाएंगे उससे पेचे। वो रहा वो लड़का, दिखाता हूँ वो रहा वो चल रहा। तो बस अभी कोई इंतजाम नहीं हुआ पतंग वगैरह का, पतंग का कोई इंतजाम नहीं हुआ, मंजा भी नहीं है। मंजा तो मैं दे दूंगा भाई, मंजा तो दे दूंगा मैं। हाँ देखो गाइस वो रहा, पतंग नहीं है उस पे, मंजा तो मैं दे। अच्छा 5 रुपए की पतंग आती है भाई साहब, तो फिर अभी इसको लूटने की जरूरत है। तो गाइस देखते हैं अभी फिर। गाइस फिलहाल वो छोटा सा लड़का जो है एक पतंग लूटने गया उधर कटी थी एक, तो बस वो वैसे ही छोटा सा है रोड की तरफ को गई है। वो पीछे दिखाता हूँ मैं गाइस, मेरे उधर साइड पर गई है। हाँ तो वैसे तो काफ़ी सारे बच्चे भाग रहे सुखे पीछे, तो वो मिल नहीं पाएगी। तो बस वो फिलहाल अभी देखते हैं उस बच्चे को कैसे मिलती है पतंग, फिर हम लोग पेचे लगाएंगे देखेंगे गाइस। तो बस अभी तो इतना ही है। तो गाइस फिलहाल पतंग हम लोगों को लूटने के लिए ये एक बस छोटा पड़ता है, तो ये काफ़ी सारे दादू ने निकाल लिए। तो इनमें से दो किन्नी दो को हम लोग देखो ऐसे करके यहाँ से बांध देंगे, तो फिर ये लंबे हो जाएंगे। ओ दो अलग है, कितने लंबे लंबे हैं ये दोनों, बांध देंगे आपस में नाड़े से। डबल नहीं करने का समझ लो, लंबा करना है, एक इधर तो एक इधर। तो अभी नाड़ा बांधेंगे, फिर देखते हैं फिर गाइस इन दोनों को करना है। ये वाले जो आपस में रखे हैं तो इन दोनों को ही करना है हमारे को एक। यहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ओ लूट ली, तो गाइस उस लड़के ने पतंग लूट ली क्या, और लूट ली वे लूट ली, बल्ले 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 बल्ले। वो देखो लूट ली पन्नी की है, पन्नी की। भाई साहब अब लगाएंगे पेच, अब लगाएंगे भाई साहब पेच, अब आएंगे मजे गाइस, अब आएंगे मजे। तो गाइस जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो कि वो वाली पतंग हमारी है और वो वाली उस बच्चे की है, तो देखते हैं अभी किसकी कटती है। हमारी काफी ऊंची है, उसके पास लेके जाओ ना को होस्ट। इसकी चोंच, अरे यार को होस्ट को हमारे उड़ानी नहीं आती। जल्दी करो ना यार, चलो 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 काट देंगे, काट देंगे भाई आराम से, अटका मत देना को होस्ट। और गाइस अभी बहुत ही ज्यादा रोमांचक स्थिति हो गई है, वो वाली ऊपर वाली हाउस की और नीचे वाली हमारी, और कितना हमारी कट चुकी है। हमारे को होस्ट को कुछ नहीं आता अभी पतंगबाजी में, बहुत ज्यादा छोटे हैं वो। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग खेल के आ गए हैं, पतंग उड़ा ली थी जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हमारी एक कट गई थी जिससे पेचे लगाए थे हमारे कोहोस ने। उसके बाद एक पतंग उड़ाई थी मैंने जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया था, उससे मैंने उसी लड़के की एक पतंग काट दी थी। और जब उसने दूसरी उड़ाई थी तो मैंने काफ़ी अपनी डिफेंड करी थी, और जब मैं उसकी काटने जा रहा था तो अचानक से मेरी टूट गई थी, बस टूट गई थी, कटी नहीं थी टूट गई थी, घस्सा लग गया था क्योंकि 2-3 बारी पेचे लगाए थे ना, तो घस्सा लग ही जाता है मंजे में, ये तो आपको पता ही होगा। अभी आ गए हमारे कोहोस्ट, इन्होंने आते ही कमरे में टीवी चला लिया है। अरे इन्होंने आ दिया था, ये रहे हमारे कोहोस्ट। इसका मतलब है कि सर्दियों की स्टार्टिंग हो चुकी है और ये हमारे होस्ट के लिए स्पेशली सूखी सब्जी बन रही है। ये रहा हमारा गाजर का हलवा, बहुत मस्त लग रहा है, किचन में भीड़ लगने वाली है और बहुत ज़रा अजीब सी आवाज आने वाली है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो गाइस अभी हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है, वो गाजर का हलवा खा लिया है, अभी खाना खाएंगे। तो बस गाइस अभी मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। अगर ये व्लॉग गाइस आपको अच्छा लगा तो गाइस व्लॉग को कर देना लाइक, चैनल पे ना हो तो भाई साहब चैनल को कर देना सब्सक्राइब, हो गया ऐसे नए नए व्लॉग्स आने वाले हैं और भी। और भाई साहब बस वीडियो को कर देना शेयर। मिलते हैं गाइस अगले व्लॉग में भाई साहब, तब तक बाय।